आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स और उनके बारे में सीखेंगे ये कुछ फॉलोइंग आइटम्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप कुछ क्वांटिटीज को याद करें जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, अगर हम अपनी मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की नॉलेज को याद करें तो इसमें से जो क्वांटिटीज है हमारी स्पीड एंड डिस्टेंस ये ऑलवेज पॉजिटिव होती थी, वहीं हमारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती थी। तो अगर हम खुद को रिकॉल कर पाएँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू नॉर्मली क्या बताती थी? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बताती थी हमें डायरेक्शंस, राइट? जिस तरह से हमने अपना रेफरेंस फ्रेम लिया होता था उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में तो ये बात आराम से चल गई कि हमें डायरेक्शन जानना है, पॉजिटिव या नेगेटिव देख लिया। बट जब बात आती है मोशन इन ए प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, तब हम सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव से काम नहीं चला पाते, तब हमें कुछ और भी चाहिए होता है जो हमें डायरेक्शन बता पाए। तो हमें मिलता है क्या, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें मिलता है क्या, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। देखिए वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है और साथ ही पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती हैं। तो क्या करती हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव क्या क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तीन आइटम हमें याद रखने हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है जब हम वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्केलर के पास क्या था, स्केलर के पास था केवल मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फॉलो करता है पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? अच्छा ओके, अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी ऐसी क्वांटिटीज का जो वेक्टर्स हो, क्या एग्जांपल होगा? अगर आपने सिर्फ मोशन एंड स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा है तो आप उसी का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होगा वेलोसिटी, हमारे पास होगा एक्सीलरेशन, हमारे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ा सा एडवांस में जानकारी हो तो फोर्स, है ना? तो ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखते ध्यान से, अच्छा ग्राफिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ग्राफिकली क्या होगा, ऐसे कुछ, जिसमें हमारे पास एक होगी टेल, ये रही हमारी टेल और ये हमारा हेड। ठीक, तो हमें डायरेक्शन पता चलता है हेड या टेल से, हमें डायरेक्शन पता चलता है हेड से, डायरेक्शन कौन बताता है, हेड। ठीक, और जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, टेल टू हेड जो लेंथ है इसकी, जो लेंथ है यहाँ पे ये
कि लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, ठीक, ये रहा हमारे पास वेक्टर ए और ये हमारे पास वेक्टर बी, इसको हम लोग ए नाम दे दिया हमने, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। अगर हमें इक्वालिटी ऑफ वेक्टर देखनी हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो वेक्टर में क्या सेम होना चाहिए? फॉर इक्वालिटी, फॉर इक्वालिटी, दो वेक्टर सेम होंगे तो क्या होना चाहिए? सेम लेंथ होनी चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो दो वेक्टर हम क्या बोलेंगे? इक्वल हैं इस कंडीशन में, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, नंबर्स के टर्म्स में हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं किसी अल्फाबेट से और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक अल्फाबेट है इसके ऊपर एरो है, या फिर बोल्ड लेटर से लिख सकते हैं। जनरली बोल्ड लेटर से जब कोई बुक प्रिंट होती है वहाँ पे लिखा जाता है, हम लोग जब अपने हाथ से अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो एरो लगा के नोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? नोटेशन है। ठीक, अच्छा, ओके। अब वेक्टर्स और स्केलर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस किसका है? वेक्टर्स हैव डायरेक्शन बट स्केलर डोंट हैव डायरेक्शन, डू नॉट हैव डायरेक्शन। क्लियर है? वेक्टर्स क्या फॉलो करते हैं? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्केलर सिंपली 2+2 = 4 हो जाते, राइट? तो डू नॉट फॉलो पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वेक्टर्स, राइट? तो मान लेते हैं हमारे पास है कोई ए वेक्टर। अगर हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब 5, 2, √2, -5, -3, यानी कोई एक रियल नंबर, राइट? तो अगर मैं इसको रियल नंबर में मान लेता हूँ, अभी हमारे पास है एक लैम्डा, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया लैम्डा इनटू ए वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? हमें देखना होगा सबसे पहले इसका डायरेक्शन, वो कैसे पता चलेगा? प्लस और नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, वैल्यू नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन वेक्टर ए वेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव एंग, पॉजिटिव साइड कौन सी है? पॉजिटिव है हमारा अपर वाला, राइट? पॉजिटिव लैम्डा, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट कौन सा है? नीचे वाला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी लैम्डा की? नेगेटिव। ठीक, अब जैसे कि हमने बताया कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए किसी की लेंथ 1 मीटर है, हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर। 10 से कर दें तो 10 मीटर। यानी कि जो लेंथ है वो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे लेंथ जो आ रही है यहाँ पे वेक्टर की, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? लैम्डा टाइम्स और जो ए की रही होगी, है ना? क्लियर है यहाँ पे?
सेम नीचे वाले के लिए। तो जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इनटू जो स्केलर का मैग्नीट्यूड है, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतना हो जाएगा। और डायरेक्शन उसके साइन पर डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो सेम डायरेक्शन मिलेगा और नेगेटिव साइन है तो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं इनके दो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट और स्केलर, जो किसी वेक्टर के साथ होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो भी वेक्टर्स हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे सारे ही वेक्टर फ्री वेक्टर्स होंगे, यानी कि फ्री वेक्टर से मेरा मतलब है कि हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। कैन बी शिफ्टेड इन एनी डायरेक्शन, ठीक, बट कैन बी रोटेटेड, बट कांट रोटेट, मैंने रोटेट नहीं करा सकते, राइट, शिफ्ट कर सकते। जैसे कि मान लीजिए वेक्टर एक यहाँ है, मैंने इसको धक्का लगाया तो ये वेक्टर जाके यहाँ पहुँच गया इस तरह से, या फिर किसी ने ऊपर से धक्का लगाया तो आ गया नीचे, ये अलाउड है। बट क्या अलाउड नहीं है कि हम इसको रोटेट करें, जैसे कि ये यहाँ पे वेक्टर है हमारा, इसको हमने रोटेट किया ऐसे कर दिया, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है, ओके। अब देखिए, तो जैसा कि हमने बताया कि हम क्या करेंगे, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो एडिशन में हमें रूल याद रखना है, क्या कोई हमारे पास वेक्टर है ना, क्या कैसा होता है वेक्टर, एक उसका टेल होगा कुछ और एक उसका हेड होगा। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेक्टर का हेड और टेल, एक का हेड और एक का टेल रहेगा। तो पहला वेक्टर के पास हमारे पास रहेगा क्या, यहाँ टेल है, यहाँ हेड पहुँच गया। दूसरे का क्या होगा, अब इसी जगह से उसका जो भी वेक्टर है हमारे पास जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे टेल होगा और जहाँ पर भी हो रहा है वो उसका हेड हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट पे यहाँ पे हेड और टेल चाहिए, तभी हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं, देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर हमें ऐड करना हो तो जैसा कि जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली कर सकते हैं उनको शिफ्ट, और शिफ्ट इस तरह से करना है कि एक का हेड और एक का टेल हो। तो अगर हमें निकालना है यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे किसको, ए को या बी को। सपोज दैट हम लोग बी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर जैसा है वैसा ही है, ठीक। हम लोग अब क्या करेंगे, बी को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, ए के हेड के पास, तो हमने कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है ए का हेड है और बी की टेल है, क्लियर है, शिफ्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो बच रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था उसका टेल और जो लास्ट में बी ऐड किया उसका हेड, तो कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान से, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा ये, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये येलो, येलो वेक्टर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। यानी कि अगर हमें दो वेक्टर को जोड़ना है तो पहले तो हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, तो लेकिन हम जब शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह शिफ्ट करेंगे कि एक वेक्टर का हेड हो और एक का टेल हो, उसके बाद इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे एक वेक्टर से, तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर।
याद रखिएगा डायरेक्शन क्या होता है, टेल टू हेड। तो जिस वेक्टर की यहाँ पे टेल बची हुई है और जिसका हेड बचा हुआ था, डायरेक्शन भी उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें, हमें डायरेक्शन मिलेगा यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है? देखिए अब अगर हम लोग बी की जगह हम लोग ए को शिफ्ट करते तो क्या होता, देखिए ध्यान से, हम लोग बी की जगह ए को भी शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास बी वेक्टर ये, इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए और यहाँ पे आइए। तो हमारे पास है यहाँ पे देखिए बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें इसमें ऐड करना है ए वेक्टर, तो हमने ए शिफ्ट किया। किस तरह शिफ्ट करेंगे कि एक का हेड और एक का टेल। अब ए शिफ्ट होके जाएगा बी के हेड की तरफ, बी का हेड कहाँ है, ये रहा, ठीक। तो अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, स्टार्टिंग वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड। हमारा स्टार्टिंग था बी वेक्टर, राइट, और ए को हमने शिफ्ट किया, ए को हमने क्या किया, ए को हमने किया शिफ्ट, राइट। तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट कहाँ होगा, टेल टू हेड, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। क्लियर है? डायरेक्शन क्या होगा, सेम टेल टू हेड, तो टेल टू हेड डायरेक्शन मिल गया हमें ये। अगर आप इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखो तो ये कुछ ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं हमको, हम लोग बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर दूसरे शब्दों में बोले, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास यहाँ पे था एक वेक्टर, देखो बी वेक्टर, एक सेकंड, हमारे पास था ये बी वेक्टर, ठीक है, ये था ए वेक्टर, ठीक। तो हमने एक बार शिफ्ट किया ए वेक्टर, तो हमें क्या मिला लगभग कुछ इस तरह से, एक बार हमने शिफ्ट किया बी वेक्टर, तो हमें मिला कुछ इस तरह से। तो आप ध्यान से देखें, अगर हमें ये क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है एक पैरेललोग्राम, क्या दिख रहा है, राइट। और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया था दोनों ही सिचुएशन में, वो आया था कुछ ये। क्लियर है, राइट। अब ध्यान से देखिए इसको, ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिला, हमें मिला रिजल्टेंट वेक्टर सेम, राइट। तो इस तरह से जब वेक्टर एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। क्लियर है? कौन सा लॉ हो गया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। क्लियर है? ओके, अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदल दें तो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है नेगेटिव, यानी कि ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक, माइनस ए वेक्टर के डायरेक्शन से, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई दो वेक्टर घटाने हों, यानी कि सपोज हमें करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, माइनस बी वेक्टर क्या है, यानी कि बी वेक्टर का डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास माइनस बी वेक्टर का
अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर का डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें तो हमें मिल जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो, सपोज दैट हमारे पास फिर से सेम डायरेक्शन है, ये रहा हमारे पास ए वेक्टर, ठीक, हमारे पास था फिर यहाँ पे बी वेक्टर। अब ये तो हो गया बी वेक्टर पॉजिटिव का, बट अगर हमें चाहिए माइनस बी वेक्टर तो क्या होगा, बी को हम देंगे पलट, हमें मिल गया माइनस बी वेक्टर। आप पहचान पा रहे हैं, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर, राइट। हमने सीधा उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, क्या कर दिया, फ्लिप वेक्टर बी बाई 180 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोले या फिर ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर, सेम सिचुएशन है, सेम बात है, राइट। क्या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों ही का रिजल्टेंट क्या है, एक का रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट है ये, ठीक है, वहीं हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये, क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लियर है, राइट, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो हो गया ग्राफिकली, हमने इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब अगर इसमें मान लीजिए कुछ थोड़ा सा और इनसाइड लेना हो तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात है, ये रहा हमारे पास ए वेक्टर और ये रहा हमारे पास बी वेक्टर, मान लेते हैं दोनों वेक्टर किसी थीटा में एंगल बना रहे हैं। अब अगर हमें इसका एडिशन करना हो तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक ए वेक्टर बी वेक्टर को हम आगे थोड़ा खिसका देंगे, हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। ये रहा हमारा ए वेक्टर और फिर हमें मिला ये बी वेक्टर, क्लियर है, रिजल्टेंट हमें मिला क्या, ये रिजल्टेंट मिल गया, ठीक है। ओके, इसको लिख दिया आर से। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे इसको डॉट डॉट करके नीचे लेके आते, ये हमारा क्या 90 डिग्री, ठीक। तो अब अगर हम इसका बेस देखें, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक, इतनी डिस्टेंस कितनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो बी कॉस थीटा और ये डिस्टेंस ये हो जाएगी बी साइन थीटा, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक
90 डिग्री ट्राइंगल, राइट। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि आर मॉड क्या होगा, वो होगा रूट ऑफ दोनों साइड का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या होगा दोनों साइड हमारे पास, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल का अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए इन टर्म्स को, बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, दोनों की वैल्यू हो जाएगी वन। कैसे, बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाता है वन, राइट। तो हमें मिल रही वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा टोटल वैल्यू का अंडर रूट। ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर का मॉड, क्लियर है। तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड निकाल सकते हो बिल्कुल सही तरीके से। अब अगर हमें इनके बीच का थीटा पता करना हो, क्लियर है, बता सकते हैं। अगर हमें निकालना हो रिजल्टेंट वेक्टर और स्टार्टिंग वाले वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि अल्फा, राइट। तो देखो टेन अल्फा क्या होगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस सिचुएशन को हम ध्यान से देखें तो ये वाला तो हमारा हो गया बीस साइन थीटा, हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो दिख रही है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो अगर हमें इस ट्राइंगल में टेन अल्फा निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एंगल भी मिल गया एक, है ना, और हमें रिजल्टेंट भी मिल गया एक। आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, राइट। इसमें कुछ गिवन होगा कुछ अननोन होगा, तो हम लोग इन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा इसके बाद आता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए नॉर्मली हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, राइट। अब अगर मैं बोलूँ इस वेक्टर का एडिशन वाले वेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि किस वेक्टर को ऐड करने से हमें ये वेक्टर मिल सकता है, तो जाहिर सी बात हमने अभी पढ़ा क्या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग इसको एक साइड माने और कोई दो साइड और बना दे इस ट्रायंगुलर की, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। तो लेट सपोज इसकी वैल्यू है ए वेक्टर। अब ध्यान से देखिए अगर मैं इसमें कोई ऐसा वेक्टर एक ऐड कर दूं, एक इसमें कोई ऐसा वेक्टर ऐड कर दूं, तो क्या हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो ए वेक्टर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब सवाल है क्या बी और सी यहाँ पे यूनिक है, ऐसा तो है नहीं ना, ट्रायंगल की एक साइड फिक्स है बाकी दो साइड वेरी कर सकती है, देखो कैसे। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते थोड़ा सा हमने ये वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर हमारा ये हो गया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें एक नया पेयर मिल गया, हम इसको मान लेते हैं बी डैश
इसको मान लेते हैं सी डैश, राइट। अब लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या और कुछ भी पॉसिबल है। देखिए ध्यान से, अब की बार हमने क्या किया, हमने कुछ और वेक्टर बी ले लिया एक, और सेम इसी तरीके से एक नया सी डैश वेक्टर ले लिया। तो क्या हमें फिर से सेम वेक्टर मिला? बिल्कुल मिला, ठीक। यहाँ पे बी डबल डैश और सी डबल डैश वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बी वन वैक्टर प्लस सी वन वैक्टर इज इक्वल टू बी डबल डैश या बी टू वैक्टर प्लस सी टू वैक्टर्स, है ना। क्या ये तरीके फिक्स है? नहीं फिक्स है, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली तरीके हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट वेज, राइट, एक वेक्टर तक पहुंचने की। अब हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ए वेक्टर को इन दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि बी और सी वेक्टर्स मिलके बना रहे हैं ए वेक्टर्स। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए वेक्टर को हम बी और सी में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जब जोड़ के हमने दो वेक्टरों को जोड़ के एक आइटम बनाया, तो एक आइटम को तोड़ के दो आइटम निकल आएंगे, राइट, ठीक। तो इसको ही बोलते हैं रिजोल्यूशन, जब हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, उसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें? ब्रेक डाउन इंटू इट्स कंपोनेंट्स, इसको बोलते हैं क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा इसमें तो बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं, इसमें हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम किस में ब्रेक करेंगे? जिसमें से हमसे एग्जामिनर पूछेगा उसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, उसको हमें मिल जाएंगे इसके कंपोनेंट, राइट। अब जैसे जैसे हमारे पास है, मान लीजिए जैसे हमारे पास है ये एक वेक्टर है, ठीक है, और किसी ने बोला कि हमें कुछ इस तरह से बताओ कि हमारे पास ये दो डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर है, हमें एनी डायरेक्शन में इसको ब्रेक करना है, कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो कैसा कैसा मिलेगा, ध्यान से देखिए, हमें ये दो पार्ट मिल गए, है ना, आप देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो तो सामने वाला क्या मिल जाएगा हमें, और ये ए वेक्टर है, मिलेगा ए साइन थीटा, नीचे वाला मिल जाएगा क्या, ए कॉस थीटा। अब वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, राइट, तो इसको एक्स मानते हैं हम लोग, तो एक्स कैप बाई इधर है तो इधर बाई कैप। तो हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? दो वेक्टर का सम, एक वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है और प्लस ए वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर हो जाएगा ए कॉस थीटा एक्स कैप प्लस ए साइन थीटा वाई कैप, है ना। हमें दो वेक्टर एडिशन मिल गया, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये। अगर वो किसी और डायरेक्शन में तोड़वाता हमसे तो हम उसमें ब्रेक कर देते, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम तो इनफाइनाइट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, राइट। आप हमें बताइए किस में ब्रेक करना है, हम उसमें ब्रेक करके आपको दे देंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जब भी कोई डायरेक्शन दिया जाएगा ना, तो हमें अपने पॉइंट से उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर की लाइन खींचनी है, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास दो डायरेक्शन है एक्स कैप और वाई कैप, तो इस पॉइंट से जो हमने लाइन खींची है, ड्रॉ की है, वो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बना रही है, क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है, और इस पॉइंट से जाएगी इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल। अब क्या है, ये बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में होती है अपोजिट साइड्स बराबर,
ये साइड किसके बराबर हो गई, इस नीचे वाली के, राइट। और ये साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, अप बराबर हो गया डाउन के और लेफ्ट बराबर हो गया राइट के, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली डायरेक्शन में। हम लोग क्या करते हैं, है ना, बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द आस्क्ड डायरेक्शन, ठीक। कहाँ से करेंगे, जो भी वेक्टर का एंड पॉइंट होगा, फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर्स। एंड पॉइंट कौन से होंगे, एक स्टार्टिंग का और एक फाइनल, यानी कि एक टेल और एक हेड, एक टेल है और एक है हेड, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आएगा वो हमारा वेक्टर का पार्ट होगा, उस कंपोनेंट का पार्ट होगा, क्लियर है। तो रिजोल्यूशन कुछ और नहीं है, एक वेक्टर को किसी दो या दो से अधिक वेक्टर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, वो हो जाएगा हमारा रिजोल्यूशन, क्लियर है। और किस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन दिखाना है हमें, वो हमें सवाल में पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, अदरवाइज हम इनफाइनाइट तरीके से कर ही सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो था हमारा, यहाँ पर जो हमने वेक्टर सीखा वो था, हमने सीखा ग्राफिकल तरीके से, बट एनालिटिकल तरीके से भी क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक। तो ग्राफिकली हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे किसी वेक्टर को ऐसे, लेंथ बताता था इसका मैग्नीट्यूड, है ना, एल इजकल टू मैग्नीट्यूड, ठीक। और एरो बताता था इसका डायरेक्शन, राइट। अब एनालिटिकली कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ए वेक्टर दे रहे हैं और जो भी हमें रेफरेंस फ्रेम दिया जाएगा, मान लीजिए हमें एक्स डायरेक्शन का दिया जा रहा है, एक्स वाई दिया जा रहा है या फिर एक्स वाई जेड दिया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें एक्स वाई जेड दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं किसी टर्म्स में ऐसे, इसकी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी प्लस इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितनी होगी प्लस इसकी वैल्यू सी डायरेक्शन में कितनी होगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, ठीक। यूनिट का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड वन हो, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास एरो था, एरो की अगर लेंथ वन यूनिट हो जाए, जैसे कि वन सेंटीमीटर, वन मीटर, जो भी यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं, वन किलोमीटर, तो उसका वो हमारा हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक, जो भी यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें, राइट। अच्छा, तो जैसे हमें किसी पार्टिकल की पोजिशन लिखनी हो एक्स वाई जेड फ्रेम में, हमारे पास हमें क्या लिखना है, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई जेड, ठीक। कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास ये मान लो ये है कोई एक कार्टेशियन, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और कोई पार्टिकल दिखा रहा है किसी जगह, ठीक है, ये मान लेते हैं ये है इसकी आर, आर यानी पोजिशन वेक्टर, आर से लिखते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप पार्टिकल जहाँ पे होगा एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी कुछ वैल्यू होगी, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी कुछ वैल्यू होगी और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आर को लिख सकते हैं क्या, एक्स के अलोंग इसकी जो भी वैल्यू है क्या वो मान लो ए वन एक्स कैप, बी के अलोंग इसकी कुछ वैल्यू है तो बी वन वाई कैप, और जेड के अलोंग कुछ वैल्यू है तो जेड वन या सी वन जेड कैप, राइट। यानी कि एक्स डायरेक्शन में वो ए वन उसका क्या है मैग्नीट्यूड, वाई में बी वन और जेड में सी वन, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका पोजिशन वेक्टर,
क्लियर है। अच्छा अब हमें इसकी इक्वलिटी देखनी है, इसमें यहाँ पे हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कैसे बताएंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, सीधी सी बात है उसके कंपोनेंट सारे बराबर हों, यहाँ पे क्या होंगे, ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, राइट, इक्वल होने चाहिए, तो हमारा वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर आर वन था, एक वेक्टर हमारे पास हो गया यहाँ पे आर टू वेक्टर, इसको लिखते हैं ए टू एक्स कैप प्लस बी टू वाई कैप प्लस सी टू जेड कैप। तो अगर हमारे पास हों इफ आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा हमारे पास क्या होना चाहिए, ए वन इज इक्वल टू ए टू, बी वन इज इक्वल टू बी टू, सी वन इज इक्वल टू सी टू, कहाँ पे होना चाहिए, एक्स वाई जेड, जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है उसके साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल वेक्टर्स, क्लियर है। अब यहाँ पे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इस तरीके से, जो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, सिंपल देखो, अगर सिंगल लाइन है तो क्या होगी उसकी लेंथ, और अगर प्लेन में कोई लाइन है तो उस क्या होता है, हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर एल टू स्क्वायर का रूट लेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। अगर प्लेन होता तो क्या होता, प्लेन मान लो प्लेन है, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल, तो क्या मिलेगा हमें, आर इज वेक्टर का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट, या फिर हम लोग यहाँ पे एक्स को ए से और बी को वाई से लिख रहे हैं तो क्या हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। भाई अगर थ्री डी में हो जाए तो थ्री डायमेंशनल, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, क्लियर है। ओके अच्छा, यानी कि कोई वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं उसको, ए वेक्टर को ऐसे ए वन एक्स कैप प्लस बी वन वाई कैप प्लस सी वन जेड कैप, राइट। अब ए वन का मॉड क्या आएगा, ए वन का मॉड आ जाएगा ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर का रूट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, पूरी इक्वेशन को। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बहुत ही आराम से ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए वन अपॉन रूट में ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर एक्स कैप प्लस बी वन अपॉन रूट में ए वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर बाई कैप प्लस सी वन अपॉन रूट में ए वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर जेड कैप, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे सभी क्या हैं, सभी किसी ना किसी एंगल की कॉस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे क्या है, x के साथ है ना, तो a1 वन अपॉन ए वन क्या था, a1 वन था x एक्सप्रेस डिस्टेंस, और ये दूसरा क्या है, नीचे रिजल्टेंट है, तो ये क्या के बीच का एंगल होगा, रिजल्टेंट और x एक्सेस के बीच का एंगल, किसके बीच का, बिटवीन रिजल्टेंट एंड x एक्सेस, ये क्या है, बिटवीन रिजल्टेंट एंड y एक्सेस, और ये क्या दिखा रहा है, बिटवीन रिजल्टेंट एंड z एक्सेस, राइट। यहाँ से आप एक्सेस को भी ध्यान में रख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ x के साथ y के साथ z के साथ, और रिजल्टेंट तो है ही कॉमन। क्या मिलेगा कुछ हमें, देखो ये इन सब का बेस है a1 b1 या c1, और ये हमारा रिजल्टेंट है, ये थीटा है। तो हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस, है ना, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ओके।
तो सारे हमें क्या मिलेंगे, कॉस थीटा मिलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसको लिखते हैं क्या, देखो कॉस थीटा एक्स, इसको लिख दे रहा हूँ मैं कॉस थीटा वाई, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा जेड। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यही। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ऐसे ध्यान से देखो, यानी कि ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एक्स एक्स कैप प्लस कॉस थीटा वाई वाई कैप प्लस कॉस थीटा जेड जेड कैप। ठीक, अब यहाँ पे ये जो कॉस थीटा एक्स वाई जेड ये जो इतना है ना, इसको लिख देते हैं कई बार एल, इसने को एम, इसने को एन। क्लियर है, राइट। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, देखो कॉस थीटा स्क्वायर है, सारे का सारा हम लोग इसको स्क्वायर करना, क्या मिलेगा, ए वन का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर हट जाएगा, फिर बी वन का स्क्वायर नीचे कट जाएगा, फिर सी वन का स्क्वायर नीचे कट जाएगा, नीचे क्या है ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, सेम क्वांटिटी मिल जाएगी नीचे, कटने के बाद क्या हो जाएगी वन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हमें प्रॉपर्टी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो किसी रिजल्टेंट वेक्टर का क्या एंगल होगा, हमें क्या बताएंगे, एल एम एन, एल एम एन क्या बताते हैं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर किसी वेक्टर में हमें उसके एंगल का या डायरेक्शन देखना हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है अलग है, तो चेक डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे, कंपेयर एल एम एंड एन। अगर किसी दो वेक्टर में उसके ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या, दोनों सेम चीज़ें तो वेक्टर हमारे यहाँ तो पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल चीज़ों का डायरेक्शन सेम होता है कि नहीं, बताओ। ये देखो सब एक ही डायरेक्शन में, हम लोग बोलेंगे ना सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक, सेम डायरेक्शन होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शन में ओवरलैपिंग से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, एक ही चीज है, राइट। अच्छा, अब एडिशन करना हो तो एडिशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है मान लो आर वन वैक्टर इज इक्वल टू ए वन एक्स कैप बी वन वाई कैप प्लस सी वन जेड कैप, और आर टू वैक्टर बराबर है हमारे पास ए टू एक्स कैप बी टू वाई कैप प्लस सी टू जेड कैप। ऐड करना है, बहुत सिंपल है, आर वन कैप प्लस आर टू कैप इज इक्वल टू, सीधा सीधा जोड़ दो ए वन प्लस ए टू एक्स कैप प्लस वी वन प्लस वी टू वाई कैप प्लस सी वन प्लस सी टू जेड कैप। क्लियर है, और अगर घटाना हो तो माइनस में आ जाएगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक, और मान लीजिए हमें निकालना हो क्या लैम्डा टाइम्स आर वन वेक्टर का, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा, समय हमें मिल जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वन एक्स कैप लैम्डा टाइम्स बी वन वाई कैप लैम्डा टाइम्स सी वन जेड कैप। क्लियर है, तो एनालिटिकल तरीके से कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, जिसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को अवश्य देखें अगर आप अभी देख रहे हैं, और अगर वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वनडे में हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हंसते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।